सब्सक्राइब करें अश्वनी ठाकुर ऑनलाइन स्कूल को और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हाय यूट्यूब फैमिली, मैं एक नया वीडियो बना रहा हूं गोल सेटिंग पर। गोल कैसे सेट करा जाए, क्यों सेट करा जाए, किस तरह सेट किया जाए और कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, इस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूं। वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो उस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सोचा ये मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, इसमें डिस्कस करूंगा आपके साथ सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं जब भी कोई गोल सेट करते हैं, तो ज्यादातर लोग गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं आजकल जो मैं देख रहा हूं, जो ऐसा हो रहा है, वो गलती ये है कि लोग फोकस करते हैं, अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, अपनी पूरी कॉन्सेंट्रेशन लगाते हैं अपने गोल पर, अपने रोल पर नहीं। तो आपको क्या करना है, अपने रोल पर भी ध्यान देना है। समझाता हूं मैं आपको। देखिए गोल सेटिंग कैसा है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, आपने मोबाइल निकाला, मोबाइल में गूगल मैप निकाला और आपने अपना डेस्टिनेशन सेट कर दिया। तो जीपीएस में आपने डेस्टिनेशन सेट करा, ये है आपका गोल सेट करना। आपने गोल सेट कर दिया और डेस्टिनेशन जो आप सेट करते हैं मोबाइल में, एक ही बार करते हैं, बार बार नहीं करते। एक बार डेस्टिनेशन सेट हो गई, काम खत्म। अब आपको अपने रोल पे काम करना है। रोल क्या है, आपका एक्शन जो आप काम करेंगे। यानी कि आपने पहले जीपीएस में सेट करा कि मेरे को यहां जाना है, यानी कि वो आपने सेट कर दिया गोल। उसके बाद वहां जाने के लिए जो रास्ता आपको जीपीएस बता रहा है, उस रास्ते पे चलना है आपको। ये आपका रोल है, यही आपकी एक्शन है और यही आपको उस डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। लेकिन जब हम गोल सेट करते हैं, ज्यादातर लोग अपने गोल पर पूरा ध्यान दे देते हैं, वो रास्ते पर ध्यान नहीं देते। इसी वजह से वो कभी गोल तक पहुंच ही नहीं पाते। गोल का काम सिर्फ इतना है, जब हम गोल सेट करते हैं वो हमें बता देता है कि आपका डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, आप चाहते क्या हो, आपका अल्टीमेटली आप चाहते क्या हो, वो सेट कर देता है गोल। दूसरी चीज, वो आपकी डायरेक्शन सेट कर देता है कि हाँ इस डायरेक्शन में अब आप जाओ, क्योंकि आपका गोल इस डायरेक्शन में है। तो गोल का काम हुआ, पहले ही काम उसका हुआ आपका ये बताना कि आपका डिजायर्ड आउटपुट क्या है, आप क्या रिजल्ट चाहते हैं, और दूसरा आप किस डायरेक्शन में जाएं, ये आपको सेट कर देता है। इसके अलावा गोल का कोई काम नहीं है। सेट करने के बाद अब काम आता है एक्शन का। तो आपको क्या करना है, एक्शन लेने हैं। तो जब भी आप गोल सेट करें, अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा अगले हफ्ते वो आप पूरा देखना, लेकिन अभी के लिए आपके लिए टिप है, अगर जब भी आप कोई गोल सेट करें तो उसके साथ में कुछ एक्शन स्टेप्स भी लिखें जो आपका रास्ता होगा उस गोल तक पहुंचने का। और अब आपको फोकस पूरी तरह करना है अपने उस एक्शन स्टेप पे, गोल पर नहीं, रोल पर। आपका जो रोल है, आपके जो एक्शन स्टेप है, उस पर ध्यान देना होगा, उस पर काम करना होगा, जिससे कि अल्टीमेटली आप डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे। अगर आप नहीं चले उस पाथ पर, तो कितना भी गोल सेट कर लीजिए, कितना भी बड़ा गोल सेट कर दीजिए, कैसे भी गोल सेट कर दीजिए, आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। और हाँ, मेरे दो और चैनल्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं, लेट्स शेयर सॉल्यूशंस पर। मैं यही वीडियोस इंग्लिश में बनाता हूं, और स्मार्ट बिज वीडियोस चैनल उनके लिए है जो बिजनेस करते हैं और वीडियो मार्केटिंग सीखना चाहते हैं।